एक दरमियानी प्याज, एक खाने का चम्मच छोटी इलायची, दो से तीन दालचीनी, छः से सात लौंग, एक चाय का चम्मच गरम मसाला, एक खाने वाला चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, एक खाने का चम्मच धनिया पाउडर, एक चाय का चम्मच जीरा और ढाई चम्मच नमक। इसमें तीन गिलास पानी शामिल करेंगे और 12 से 15 मिनट ढक्कन देके पकाएंगे। जब चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा तो चिकन को अलग कर लेंगे। यखनी को छान लेंगे। एक प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे कि वो डार्क ब्राउन हो जाए। एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। एक खाने का चम्मच जीरा, छः से सात लौंग, चार से पाँच छोटी इलायची, दो दालचीनी शामिल करेंगे, एक टमाटर शामिल करेंगे। दो चिकन क्यूब ऐड करेंगे और मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। दो खाने के चम्मच फेंटी हुई दही शामिल करेंगे। मसाला अच्छे से भून लेंगे और फिर इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन के कट्स में अच्छे तरीके से मसाला भरेंगे। एक खाने का चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे। मसाले में यखनी ऐड करेंगे। जब यखनी में उबाल आ जाएगा तो इसमें ढाई गिलास चावल ऐड करेंगे। जब पानी खुशक होने लगे तो इसमें एक चाय का चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। एक चाय का चम्मच कूटी काली मिर्च ऐड करेंगे। बारह से पंद्रह मिनट दम पे रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल के चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे।